अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए और अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में। बाय द वे, जब भी आप स्टॉक मार्केट में किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और जब भी डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अलग अलग असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना होता है। सिमिलरली अगर आप लोग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप लोगों को साथ ही साथ गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप लोगों को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बेस्ट ऑप्शन क्यों है और इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, यहाँ पर आप लोग कितने रिटर्न्स कमा सकते हैं, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होते क्या है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का ऐसा तरीका है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करती है। और अगर आप लोग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर दो बेनिफिट होते हैं। बेनिफिट नंबर वन तो यह है कि आपने जितने भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी होती है क्योंकि ये बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करती है। बेनिफिट नंबर टू यह है कि अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको वैल्यू एप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है और इसी के साथ साथ आपको अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ रिटर्न यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको 2.5% तक के रिटर्न मिलते हैं, वो भी एक साल में दो बार आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। अगर आप लोग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम 8 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपकी इमरजेंसी में फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है और 8 साल से पहले आपको आपके इन्वेस्टमेंट के स्टेक को विड्रॉ करना पड़ता है तब यहाँ पर आपके सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट को आपको सेल करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज पर। जिस तरीके से डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल करके आप स्टॉक्स को बाय एंड सेल करते हैं उसी तरीके से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के कॉन्ट्रैक्ट को भी बाय एंड सेल कर सकते हैं। लेकिन आखिर इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। अगर आप लोग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अप्लाई करना चाहते हैं तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने का फीचर देते हैं। इन स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आपको अलॉटमेंट भी मिल जाएगा। और डीमैट अकाउंट के अलावा भी मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां पर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने पोस्ट ऑफिस के अकाउंट के थ्रू भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा आसान है। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है या अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है तब यहाँ पर आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए अप्लाई करना है और आपके एप्लीकेशन की फीस आप लोगों को पे करनी है। जब भी आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए अप्लाई करेंगे तब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आप मिनिमम 1 ग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैक्स टू मैक्स 40 ग्राम तक एक एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं करंट मार्केट की बात करूँ तो करंटली मार्केट में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की 2023-24 की सीरीज 1 स्टार्ट हो चुकी है और इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट आज की है, मतलब 23rd of June 2023। अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको एज सुन एज पॉसिबल इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अगर आप लोग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन एप्लीकेशन डेट खत्म हो चुकी है तो आपके लिए भी एक सोल्यूशन है। आप लोग डायरेक्टली डीमैट अकाउंट के थ्रू भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिस तरीके से आप लोग शेयर्स को सर्च करते हैं उस तरीके से आपको सर्च करना है और यहाँ पर सर्च के कॉलम में लिखना है SGB। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देखेंगे आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की। इस कैटेगरी में आपको अलग अलग एक्सपायरी के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड देखने को मिल जाएंगे जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। और सबसे खास बात पता क्या है, अगर आप लोग डीमैट अकाउंट के थ्रू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहां पर आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने का एक्सपेंस काफी ज्यादा कम हो जाता है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि डीमैट अकाउंट के थ्रू SGBs के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आप SGBs में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहां पर आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट काफी कम हो जाता है। डेफिनेटली इस तरीके का इस्तेमाल करके भी आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।